और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के दो बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच एक बार फिर से खूनी जंग होने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से जंग के चर्चा से पूरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी मची हुई। आपको बता दें कि सुपरस्टार के सारे फैंस भी लोग आश्चर्यचकित हैं कि आखिर फिर से खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच ऐसा क्या हो गया। आपको बता दें कि दरअसल मामला कुछ फिल्मी है। आपको बता दें कि 11 मई को दरअसल खेसारी लाल यादव की दुल्हन गंगा पार के और सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म एक साथ एक ही दिन दोनों फिल्में भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है। इससे दोनों फिल्मों को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि काफी लंबे समय से भोजपुरिया दर्शक दोनों फिल्म का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक दोनों की रिलीज डेट एक ही दिन होने के कारण दर्शक कंफ्यूज में है कि कौन सी फिल्म पहले जाके देखे। आपको बता दें कि जहां दुल्हन गंगा पार में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर से काजल राधवानी के साथ जोरदार इश्क फरमाते हुए नजर आने वाले हैं, तो वहीं फिल्म वांटेड में पवन सिंह पहली बार बंगाली गर्ल मनी भट्टाचार्य के साथ जोरदार रोमांस करते हुए भोजपुरी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाले हैं। हालांकि दोनों स्टार ने अभी से ही अपने अपने तरीके से फिल्म प्रचार प्रसार में जोर शोर से लग चुके हैं। अब देखना यह है कि पवन सिंह की फिल्म वांटेड भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर छाती है या सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की दुल्हन गंगा पार के। यह तो फैसला 11 मई को ही हो पाएगा, लेकिन दोनों फिल्मों का क्रेज भोजपुरिया दर्शकों में सर चढ़कर बोल रहा है।